Let's talk about hydration of alkene. Alkene का hydration मतलब addition of water to alkene. इसका मतलब होता है बेटा addition of water to alkene. ठीक है? अच्छा इसको हम तीन तरीके से कराते हैं. एक acid catalyzed hydration. एक हम लोग कराते हैं as oxymercuration, demercuration. और एक हम लोग कराते हैं as hydroboration, oxidation. Hydroboration, oxidation. ये तीन तरीके हैं हमारा alkene का hydration कराने के. तो सबसे पहले हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से. तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एल्कीन है विच इज अनसिमेट्रिकल, अ सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन. इसमें हम H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अटैक करते हैं. तो एसिड कैटलाइज्ड है इसलिए H प्लस डाल दिया और वाटर का अटैक कराया. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, एच प्लस. तो एच प्लस जाके डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा. H प्लस जैसा हमें पता है कि एक जगह अटैक करता है इस तरीके से ताकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन क्या हो सके बेटा, जनरेट हो सके, कार्बोकैटायन बन जाता है. नाउ द कार्बोकैटायन ऑफ कोर्स कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल. और फिर उसके बाद वाटर जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है. और आप देखेंगे इस साइड लग जाएगा OH और बन जाएगा ये कंपाउंड. ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा देखकर कि यहां पे जो है H अटैक हो गया है CH2 की जगह और यहां वाले कार्बन पे क्या लग गया है, OH लग गया है. तो दिस इज एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, नाउ द पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज सबसे पहले यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है. इसका मतलब रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. एंड इसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बेटा, मार्कोनिकोफ रूल इज फॉलोड. तो दैट मीन्स अगर मैं इस तरीके का एल्कीन लेती हूं जैसे मैं पहले भी ले रही थी और मैं इसमें H प्लस वॉटर डालती हूं तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट एंड ऑल करके क्या बनेगा, दिस अल्कोहल. डू अंडरस्टैंड द केस, है ना. सिमिलरली अगर मैं ये वाला एल्कीन लेती हूं तो इसमें भी अगर एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन कराती हूं तो सिमिलर वे आई विल गेट दिस काइंड ऑफ अल्कोहल. और अगर मुझे इस तरीके का कोई ट्राइमिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2 करके कुछ मिलेगा और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराऊंगी तो सबसे पहले कार्बोकैटायन यहां बनेगा, कार्बोकैटायन फिर रीअरेंज करेगा 1-2 मिथाइल शिफ्ट से, यहां कार्बोकैटायन बनेगा फिर यहां OH लगेगा. सो द एंड प्रोडक्ट दैट विल गेट वुड बी दिस, है ना. ये आपको समझ आ रहा है, यहां कार्बोकैटायन बनेगा फिर ये मिथाइल यहां से शिफ्ट होगा, यहां कार्बोकैटायन बना और यहां क्या लग गया, OH. तो यहां पर एक मिथाइल आ गया और ये क्या हो गया, CH3. तो विल गेट दिस काइंड ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट. दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग द फैक्ट कि देयर इज अ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन व्हिच कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ काइंड ऑफ अ दिस मार्कोनिकोफ रूल व्हिच इज फॉलोड. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कार्बोकैटायन बनता है और आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी है तो रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट कायल सेंटर है तो हमेशा रेसमाइजेशन होगी क्योंकि कार्बोकैटायन पे फ्रंट अटैक और बैक साइड अटैक दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. यहां तक हमें बात समझ आ गई. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम. ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. सेकेंड हाइड्रेशन जो है हमारे पास बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन. ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन. Now, oxymercuration, demercuration की अगर हम लोग बात करें तो अगर let's say मेरे पास ये alkene है, इस alkene में बेटा हम लोग क्या डालते हैं, ध्यान रखें first of all हम डालेंगे HGOAC whole twice, साथ में हम लोग डालेंगे H2O और second case में हम लोग डालेंगे NaBH4 OH minus. तो हम लोग ये add करते हैं, क्या क्या है, HGOAC H2O NaBH4 OH minus
बट आपको ये बता दूं HGOAC होल ट्वाइस क्या होता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले आपने जो HGOAC होल ट्वाइस ले रखा है ये टूटता है और जनरेट करता है HGOAC होल पॉजिटिव प्लस OAC माइनस। नाउ HGOAC पॉजिटिव जो बना है बेटा, ऑफ कोर्स ये क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रोफाइल, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक कोवलेंट है ना, मरकरी का कंपाउंड है, कोवलेंट है, H+ जैसा कोई आयनिक स्पीशीज नहीं है ना। तो ये भी जब एल्कीन पे अटैक करता है बेटा तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन से कार्बन पे जो है अटैक करना है, तो ये भी क्या करता है साइमल्टेनियसली दोनों कार्बन पे जाके क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है, जैसे कि हाइड्रोजन की कंडीशंस में हो रहा था। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। जब ऐसा हुआ तो आपको समझ आया कि ये एक बहुत अनस्टेबल स्पीशीज है। इस केस में वो फिर से दो जगह फंस गया है, वो इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इधर से पुल करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। कौन से कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल है, इस वाले पे स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ताकि यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, डेल पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑफकोर्स ये कार्बन कहेगा भैया मैं डेल पॉजिटिव चार्ज क्यों रखूं तेरी वजह से, तो ये हेल्प के लिए किसको बुलाएगा, जो आपने साथ में डाल रखा है वो क्या है, वॉटर। तो ये वॉटर को हेल्प के लिए बुलाएगा, तो वॉटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, आपको मिलेगा CH3CH। यहां लग गया वॉटर, वॉटर का फिर H+ हट जाएगा अपने आप, और यहां CH2HGOAC। यहां से यहां तक जो भी ये प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। तो ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट के डालने से हुआ है, HGOAC और H2 के डालने से हुआ है, सेकेंड पार्ट का भी कोई रोल नहीं आया। अब सेकेंड पार्ट पिक्चर में आएगा और वो क्या करेगा, डीमर्क्यूरेशन करेगा, मतलब यहां से ये HGOAC को अब क्या कर देगा, हटा देगा। कौन हटाएगा, ये NaBH4 जो आपने डाला है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4OH-। ठीक, बेसिक मीडियम में इसको यहां से हटा देगा और इसकी जगह क्या लगा देगा, H लगा देगा, हेंस द प्रोडक्ट दैट विल गेट वुड बी CHOH CH2H, वी गेट दिस। So this is the major product that we get, और इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, डीमर्क्यूरेशन। बात क्लियर हुई? Now इस पूरे आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही बना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है भैया यहां कार्बोकैटायन बना था, यहां कार्बोकैटायन नहीं बना है, और सिमिलैरिटी क्या है कि यहां भी मार्कोनी को फॉलो हुआ था, यहां भी मार्कोनी को फॉलो हुआ है ना। तो इस पूरे केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सिंस देयर इज नो कार्बोकैटायन, मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। साथ में इसमें भी मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा था, तो इसमें भी मार्कोनी का रूल इज फॉलो, मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, बट यहां पे क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा था तो रेसमाइजेशन हो सकती है, बट जबकि यहां पे क्या है, नीचे से अटैक होगा, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे से अटैक करेगा और ये नीचे की तरफ है तो ये क्या करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, मतलब यहां पे क्या होगा, एंटी एडिशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यहां पे एंटी एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, जबकि यहां पे रेसमाइजेशन होगा, प्रोडक्ट फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट हो सकता है और मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। बात क्लियर हुई? तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गए। नाउ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बाद है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज हम इसमें यूज क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन में मैं डालूंगी बेटा B2H6 PHF फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है H2O2OH-। ठीक है, जो मुझे एल्कीन मिलता है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, सो सॉरी अल्कोहल जो मिलता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से मिलता है, सो द अल्कोहल दैट वी गेट इज दिस वन। नाउ B2H6 वी नो इज डायबोरेन, व्हाट इज THF? THF होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूडान। ये क्या करता है, B2H6 क्योंकि 3 center 2 electron बॉन्ड बना रहा है, जब ये THF के साथ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान ये होता है हमारा, इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, BH3
को एग्जिस्ट करा देता है, दिस इज BH3 जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बेसिकली लुईस बेस की तरह काम करता है और BH3 को जो है स्टेबलाइज कर देता है, BH3 प्रोड्यूस करा देता है। BH3 को कैसे स्टेबलाइज करता है? अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा, आपने जो एल्कीन लिया है CH3CH और यहां पे आपने B2H6 BH3 आपका जो है प्रोड्यूस हो गया, तो BH3 इस तरीके से जो है अटैक रिएक्ट करेगा इसके साथ। आपको पता है बोरॉन का एक ऑर्बिटल यहां पे क्या है बेटा, खाली है। ये लुईस एसिड है और ये एल्कीन जो है इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक्चुअली में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में क्या होंगे बेटा, डोनेट होंगे। जब ये डोनेट होते हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट जो है एग्जिस्ट करती है। ध्यान रखना कैसे, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला कार्बन का बॉन्ड, देखो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, बोरॉन के पास। तो यहां पे अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, बोरॉन के पास। अब इसमें पॉजिटिव आएगा ना, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये H के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये H का बॉन्ड भी BH के साथ क्या होगा बेटा, टूटेगा। तो इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। तो टेक्निकली जब ये इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के ऑर्बिटल में आएंगे तो ये H जो है इधर जाके क्या करेगा, इस कार्बन पे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड बनेगा, बोरॉन और H का बॉन्ड टूटेगा, H और सार कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट जो है एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। फिर जो बनना था वो बना, जो टूटना था वो टूटा, तो इस कार्बन पे एक एच लग गया, पाई बॉन्ड टूट गया और यहां क्या लग गया, BH2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3CH2CH2BH2, है ना। अब बोरॉन का आपने देखा है एक तरीके से ऐसा हुआ है कि बोरॉन का एक एच टूट के ये पूरा ग्रुप आ गया। अब बोरॉन के पास कितने एच है, 3, दो और एच बचे हैं, तो वो दो एच भी दोबारा इसी तरीके से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो इसको आप ऐसे मानो कि फिर से आपके पास यही मॉलिक्यूल आया है एल्कीन का और अब आपके पास ये पूरा स्पीशीज है। अब ये स्पीशीज अपना एच यहां रखेगा, बी का एक एच यहां है और यहां ये पूरा ग्रुप है CH2CH2CH3। फिर से पाई बॉन्ड अगर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, एच की तरफ, और फिर से यही काम होगा, तो यही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर से यही स्पीशीज प्रेजेंट होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एच लग जाएगा CH2, इस CH2 पे कौन लग जाएगा, बोरॉन, जिसपे एक एच है और एक CH2CH2CH3 लगा हुआ है। और फिर से ये प्रोसेस दोबारा हो सकता है अगर आप एक और मॉलिक्यूल एल्कीन का ले ले तो फाइनली आपको मिलेगा बोरॉन अटैच टू 3 आर ग्रुप्स, और आर ग्रुप्स कौन से बेटा, CH2CH2CH3CH2CH2CH3CH2CH2CH3। तो 3 मोल्स एल्कीन के इस्तेमाल होंगे और 1 मोल बोरॉन का, BH3 का यूज होगा और तीनों एच रिप्लेस हो जाएंगे एल्कीन पार्ट से। ये काम होगा सिर्फ B2H6CHF के साथ। फिर आप H2O2OH- डालोगे, वो क्या करेगा, H2O2OH- इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, तोड़ेगा। कैसे, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो और दोनों जगह क्या लगा दो, OHOH। तो बोरॉन के ऊपर 3 OH लग जाएंगे, मतलब बोरिक एसिड बन जाएगा, प्लस 3 मोल्स आपको किसके मिलेंगे, अल्कोहल्स के, और अल्कोहल कौन सा होगा बेटा, CH3CH2CH2OH। तो इस केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कोई कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हुआ है, नो कार्बोकैटायन, तो नो रीअरेंजमेंट। बट यहां पे क्या फॉलो हुआ है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल इज फॉलो। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में एंटी एडिशन हो रहा था। अब यहां देखिए H जिस साइड से लग रहा है उसी साइड से B लगेगा और जहां B लगा है वहीं पे फिर फाइनली क्लीव करके कौन लगेगा, OH लगेगा। तो H और OH दोनों कहां से लगेंगे, सेम साइड से लगेंगे, इसलिए यहां पे जो एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस तरीके से एक और हाइड्रोग्रेशन ऑक्सीडेशन हमारा जो होता है वो भी हाइड्रेशन का ही तरीका है, बट दैट गिव्स यील्ड टू द एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, सिन एडिशन, नो रीअरेंजमेंट एंड नो कार्बोकैटायन। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अगर मैंने आपको एक एल्कीन दे दिया लेट्स से ये वाला, ठीक है, इसमें
एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं, H प्लस वॉटर डालते हैं, फिर डी प्लस वॉटर डालेंगे और फिर डी प्लस जी टू ओ डालेंगे. इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके मैकेनिज्म को समझिए. इसमें H प्लस लगता है, फिर कार्बोकैटायन जनरेट होता है, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है, उसके बाद जाके वॉटर से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. मतलब वॉटर इज द सोर्स ऑफ ओ एच माइनस एंड दिस इज द सोर्स ऑफ एच. तो अगर मैं H की जगह D प्लस कर दूंगी तो जहां H और OH ऐड हो रहा था वहां D और OH ऐड हो जाएगा, और जब मैं D प्लस और D2O कर दूंगी तो D और OD ऐड हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं H प्लस और D2O कर दूं तो H और OD ऐड हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगी तो ये वाला तो रीअरेंज करके फाइनल प्रोडक्ट मुझे कौन सा मिलेगा बेटा, ये वाला मिलेगा. इस केस में एच यहां ऐड होता है, कार्बोकैटायन यहां बनता है ना, और ये एच किस में आता है, इन फॉर्म ऑफ CH3 आता है, यहां पे आता है. तो अगर D प्लस एच टू करूंगी तो क्या हो जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा बेटा, D. तो ये बन जाएगा CH2D और वाटर से क्या आ जाएगा, OH. D प्लस D2O करूंगी तो बेटा क्या हो जाएगा, CH2D और OD. और H प्लस D2O करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहां क्या हो जाएगा, OD. बोलो बात समझ आई है? ठीक है, अब इसी एल्कीन में हम लोग जो है वो डाल रहे हैं HGOAC H2O NaBH4 OH माइनस. अब इस केस में सबको क्या क्या करता है भैया, ये जो है ये OH देता है दिस बंदा, और ये पूरा क्या देता है, H देता है. बट इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होती तो सिंपल एंटी एडिशन फॉलो होगा, तो यहां OH और यहां H. ठीक है, अब अगर मैं इसको कर दूं ऐसे HGOAC D2O और NaBH4 OH माइनस, मतलब यहां से तो H ही आएगा बट यहां से क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा. तो हेंस द प्रोडक्ट वुड बी OD और H. सिमिलरली अगर मैं यहां कर दू HGOAC H2O और इसे कर दू NaBD4 और OD माइनस, तो यहां से D आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, OH. तो मार्कोनी को फॉलो हो रहा है बट रीअरेंजमेंट नहीं हो रही. वहीं पे अगर मैं कर दू B2H6 THF H2O2 OH माइनस, तो इसमें उल्टा होता था, ये H देता था B2H6 वाला पार्ट और ये क्या देता था, OH. तो H और OH कैसे ऐड होते थे, सिर्फ एन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. तो यहां पे क्या होगा, ये H देगा तो H यहां लग गया और ये OH देगा तो OH यहां लग गया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हुआ. वहीं पे अगर इसे मैंने कर दिया B2D6 THF H2O2 OH माइनस, तो यहां D और OH लगेगा, मतलब द प्रोडक्ट वुड बी D एंड OH. और वहीं पे अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया B2H6 THF D2O2 OD माइनस, तो OD और H, दिस वुड बी द प्रोडक्ट. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अच्छा, एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स से मेरे पास एल्कीन है बेटा, साइक्लिक एल्कीन है ना. जब इस पे अगर एक लेट्स से मैंने यहां CH3 लगा दिया है, ठीक है, जब यहां पे मैं डालूंगी H+ और H2O तो किसी एक जगह OH और एक जगह H लगेगा और रीअरेंजमेंट वगैरह सारी होगी. तो आप एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा के हम यहां लगा देते हैं CH3 लेट्स से. तो यहां पे कार्बोकैटायन अच्छा होगा तो यहां कौन लग जाएगा, OH, और यहां क्या लग जाएगा, H. बट OH जो है वो अपसाइड अटैक और डाउनसाइड अटैक दोनों ही कर पाएगा, है ना. मतलब दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं मुझे, एक जिसमें मैं देखूं कि मेरा OH कहां लगा हुआ है, अबव द प्लेन, या फिर दो प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल सकता है जिसमें OH कहां लगा हुआ है, बिलो द प्लेन. ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन किसके थ्रू जाता है, ये रिएक्शन जाता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से, और कार्बोकैटायन में फॉरवर्ड अटैक और बैक साइड अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम. तो 50-50% दोनों मिल गया मुझे, हेंस आई गेट रेसमिक मिक्सचर. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सिमिलरली इसी एल्कीन पे बेटा मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊं तो एंटी एडिशन होगा ना. तो एंटी का मतलब क्या है, अगर ये H अबव द प्लेन लग रहा है तो OH कहां लगेगा, बिलो द प्लेन. या फिर आप उल्टा ऐसे समझ जाइए कि अगर H बिलो द प्लेन लग रहा है तो OH कहां लगेगा, अबव द प्लेन, राइट. सिमिलरली अगर मैंने इसमें कराया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो सिन एडिशन होगा,
मतलब अगर OH above the plane लग रहा है तो HB कहाँ लगेगा? Above the plane. Similarly, अगर OH below the plane लग रहा है तो HB कहाँ लगेगा? Below the plane. Do you understand the point? तो इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. बात क्लियर हुई? तो यहां तक हम लोग जो है सारे तरीके के एडिशन रिएक्शंस कर रखे हैं. एक आधा एडिशन रिएक्शन और हमारे पास है जिसमें से हम लोग बोलते हैं एडिशन यूजिंग बेयर्स रिएजेंट. ध्यान से समझिएगा, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? दैट इज कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4. ठीक है, तो बेटा अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है उसमें मैं कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट डालती हूं. बेयर्स रिएजेंट कौन से कलर का होता है बेटा? पर्पल कलर का होता है, क्योंकि KMnO4 का कलर क्या है? पर्पल. तो ये क्या करता है, ये दोनों जगह एल्कीन पे क्या लगा देता है? OHOH. इस और ये दोनों OH किस डायरेक्शन में लगते हैं? सेम डायरेक्शन में. तो सब बोलते हैं सिन एडिशन, और इस प्रोसेस का नाम होता है सिन हाइड्रोक्साइलेशन. क्या बोलते हैं बेटा? सिन हाइड्रोक्साइलेशन. और इस तरीके से मैं बोल सकती हूं एल्कीन जो है डीकलराइज कर देते हैं. डीकलराइज इज बेयर्स रिएजेंट. एल्कीन जो है बेयर्स रिएजेंट को क्या कर देते हैं? डीकलराइज कर देते हैं. इसका मतलब क्या है? बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है. तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट ऑफ एल्कीन. तो एल्कीन प्रेजेंट है नहीं है, उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? हम उसमें बेयर्स रिएजेंट डालेंगे. तो अगर पर्पल कलर उसका डीकलराइज हो गया, मतलब वो रिएक्ट कर गया है और हाइड्रोक्साइलेशन हो चुकी है. और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा एल्कीन क्या है? प्रेजेंट है. तो इसको बोला जाता है सिन हाइड्रोक्साइलेशन. बात क्लियर है? ठीक है. जबकि अगर मुझे ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन कराना होता है, ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन, तो मैं क्या करती हूं, ध्यान से देखना मेरी बात. मैं एक एल्कीन लेती हूं, उसे जो है पर एसिड के साथ ट्रीट करती हूं. फर्स्ट रिएजेंट उसमें हम क्या डालते हैं? पर एसिड. तो पर एसिड के साथ ट्रीट करने पास हमें मिल जाता है एक ईपॉक्साइड. वी गेट अ ईपॉक्साइड. फिर ईपॉक्साइड में हम H प्लस वॉटर डाल देते हैं. तो अब सोचो अगर ये ईपॉक्साइड अबव द प्लेन बना तो वॉटर कहां से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन. तो इस तरीके से इन दोनों कार्बन पे OH OH लगेगा, बट ये दोनों OH कहां लगेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. हेंस जो एडिशन होगी उस एडिशन को हम लोग क्या बोल देंगे? एंटी एडिशन ऑफ OH. बात क्लियर हुई? नाउ व्हाट आर द पर एसिड्स यू हैव? पर एसिड्स कौन होते हैं? पर एसिड जैसे आप एसिडिक एसिड लिख रहे हो ना, उसमें एक ओ ऐड कर दो, परऑक्साइड बना दो. तो फॉर एग्जांपल यू हैव एसिडिक एसिड, तो ये सी डबल बॉन्ड OH होता है ना, ओ ओ एच कर दोगे तो पर एसिड हो जाएगा. मतलब अगर उसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है किसी भी एसिड में तो वो क्या बन जाता है? पर एसिड बन जाता है. तो एक बहुत कॉमन पर एसिड जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? MCPBA. कौन बोलते हैं? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड में पर लगा दिया, मतलब एक ओ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसे परऑक्साइड लिंकेज दे दी. ठीक है, तो वो हमारा पर एसिड हो जाता. तो आप कोई भी पर एसिड यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट MCPBA. यू कैन यूज एनी पर एसिड, चाहे आप एसिडिक एसिड का पर एसिड बना लो, चाहे यहां कोई भी आर ग्रुप करके एक पर एसिड बना लो. हर पैरासिड यहाँ पे क्या बनाता है? एक इपॉक्साइड. जहां पे भी दो एल्कीन है, जो भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ है, वहां पे क्या बनेगा? एक इपॉक्साइड. इपॉक्साइड में वाटर डालोगे, इपॉक्साइड टूटेगा. अगर इपॉक्साइड अबव द प्लेन बना है तो वाटर बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो दो OH ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोल देते हैं? ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन. यहां तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? हमारे पास इतने ही रिएक्शन है जो कि एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं. With this, we wind up the addition reactions of alkenes and we will move forward with the alkynes in the next class. Baat clear?